हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओरियो के बहुत ही टेस्टी चॉकलेटी मोदक, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये विदाउट कुकिंग के बनकर तैयार हो जाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमने लिए यहाँ पर ये 10 रुपये के ओरियो के बिस्किट, आप जितने चाहे उतने ले सकते हैं। इन्हें हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। हमें बिस्किट को पाउडर फॉर्म में कर देना है, तो यहाँ पर हम इसे बाइंड करने के लिए मिल्कमेड का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपके पास मिल्कमेड ना हो तो आप यहाँ पर अपने स्वाद अनुसार चीनी डालकर उसे भी साथ में ही पीस सकते हैं और उसे दूध से फिर हम बाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम दोनों ही पैकेट को अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में कर देंगे। तो इन्हें अब हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए, हमने बिस्किट को अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में कर लिया है। अब इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए, थोड़ा नटी फ्लेवर देने के लिए, हम ले रहे हैं यहाँ पर नारियल का बुरादा। तो मैंने लिया यहाँ पर 2 से 3 चम्मच। इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसे डालें या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। केवल आप ओरियो बिस्किट से भी इसे बना सकते हैं। अब इन्हें हमने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब इसे बाइंड करने के लिए हम यहाँ पर मिल्कमेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर अमूल का लिया है। थोड़ा थोड़ा करके डालें, 2 से 3 बड़े चम्मच के लगभग इसमें लगेगा। यदि आपके पास मिल्कमेड ना हो तो मैंने पहले भी कहा है आपसे, आप यहाँ पर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूध की जो क्रीम होती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इन्हें हमें उतना ही बाइंड करना है जितने में इसका अच्छी तरह से लड्डू बनकर तैयार हो जाए। तो 1 से 2 टेबल स्पून ही डालें, एक साथ ढेर सारा ना डाल दें। अगर लगता है आपको कि ये थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में हो गया है, टाइट नहीं हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा बहुत नारियल का बुरादा या फिर बिस्किट ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, एकदम डो फॉर्म में ये बनकर तैयार हो गया है। अब मोदक बनाने के लिए इस तरह का हमने मोदक मोल्ड लिया है। इसमें हल्का सा हम घी लगा लेंगे। तो इस तरह के मोदक मोल्ड मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। तो अच्छी तरह से घी लगा लें जिससे कि ये चिपके ना। वैसे ये चिपकेगा नहीं, लेकिन हम इसे सेफर साइड करके चल रहे हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह से फिल कर देंगे। तो पहले हम इसे फिल करेंगे, इसमें फिर हम कैविटी बनाएंगे और इसमें हम कुछ चॉकलेट चिप्स डालेंगे। ये कॉम्बिनेशन बच्चों को बहुत पसंद आता है और सभी को बहुत पसंद आता है। विदाउट कुकिंग बनाना होता है, तो जब भी चाहें आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हम अच्छी तरह से फिलअप कर देते हैं जिससे कि कहीं से भी गैप ना रहे, और अच्छी तरह से दबा कर इसके जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल देने हैं। बीच में हमें कैविटी बनाना है। उससे पहले हमने इसमें एक पिन लगा दी है। तो हमने इस तरह से, देखिए, कैविटी बना दी है। इसमें आप नारियल का बुरादा भर दें, गुलकंद भर दें या फिर इस तरह से चॉकलेट चिप्स। तो हमने यहाँ पर भरपूर चॉकलेट चिप्स डाल दी है, वाइट वाली। वाइट एंड ब्लैक का हम कॉम्बो दे रहे हैं इसमें। तो और फिर से हम इस तरह से नीचे से इसका जो बेस है ना, वो अच्छी तरह से फिल कर देंगे। अच्छी तरह से टाइटली दबाने से इसके जो भी शेप है वो बढ़िया से बनकर तैयार होंगे। एक्स्ट्रा पार्ट निकाल दें। और ये देखिए, झटपट से हमारा गणेश जी का स्पेशल मोदक बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, और इसके साइड के कॉर्नर है ना, हमें सांचे में लगे लगे ही साफ कर देने हैं, क्योंकि फिर ये बाद में बहुत एक्स्ट्रा दिखते हैं। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही टेस्टी ओरियो का चॉकलेट मोदक बनकर तैयार है। इसी तरह से बाकी के भी बना लेंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी ओरियो मोदक। इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।